अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लिनिकल रिलेटेड टू कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म। लास्ट वीडियो में हमने कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था, तो इसमें इसके जो क्लिनिकल्स हैं, सबसे पहले यह है कि कीटोन बॉडीज की जब सिंथेसिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, कीटोजेनेसिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी जितनी अगर बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लेवल जो है राइज कर जाएगा कीटोन बॉडीज़ का। उस कंडीशन को कहेंगे हम कीटोनीमिया। अब जब बॉडी में इसके कीटोन बॉडीज का लेवल राइज कर गया, तो यूरिन में भी इसकी आउटकम ज़्यादा हो जाएगी। तो यूरिन में जब ज़्यादा होगा, उस कंडीशन को कहेंगे कीटोन्यूरिया। अब आते हैं मेन क्लिनिकल की तरफ। वो ये है कि अनकंट्रोल टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस में इनकी प्रोडक्शन इतनी, कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नॉर्मल जो प्रोडक्शन है वो है अबाउट 3, लेस देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ये कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो जाती है डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 में। उसकी वजह से जब इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो यूरिन में भी एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा कि 5000 मिलीग्राम ये एक्सक्रीट होगा डेली 24 आवर्स में। अब जो है ये इसकी जो कीटोन बॉडीज का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसकी PKa अबाउट 4 के इक्वल है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करवाएगा। ब्लड में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इस कंडीशन में कहेंगे एसिडीमिया। और डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन किस वजह से होगी, यूरिनरी लॉस होगा ग्लूकोज का और कीटोन बॉडीज का, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब आते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी इसी वजह से होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। और इसकी मेन सिम्टम जो है वो ये है कि फ्रूटी ऑर्डर होगी ब्रेथ में, जब सांस लेंगे तो फ्रूटी स्मेल आएगी इस एसीटोन की वजह से। और इसकी एक और जो क्लिनिकल साइन है वो ये है कि का स्मॉल ब्रीथिंग, ये क्या है, डीप रैपिड रेस्पिरेशन को कहते हैं, ये इसका मेन साइन है जिसकी वजह से हम पता चल जाता है कि ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। और ये करेक्टरिस्टिक है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और भी किसी भी वजह से एसिडोसिस होगी तो का स्मॉल ब्रीथिंग अपियर होगी। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वो ये है कि जब एसीटो एसीटेट या बीटा हाइड्रोक्सी बीटा रेट का लेवल इंक्रीज होगा, इनमें से दोनों में से कोई भी या दोनों इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से ब्रेन में एक एरिया पोस्टरीमा, एरिया पोस्टरीमा ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में है ये स्टिमुलेट हो जाएगा। जब ये स्टिमुलेट होगा तो उसकी वजह से वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग से हो क्या होगा, वोमिटिंग की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड का, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। हाइपोवोलीमिया की वजह से आगे फर्दर जो पेशेंट है वो कोमाटोस स्टेट में भी जा सकता है। ये सारे हो गए क्लिनिकल्स, ये हमने देख लिए कि जब इसका कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा या कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी, तो उसकी वजह से कौन कौन से क्लिनिकल हो सकते हैं। अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।